शुरू करो। मानी फ्रेंड्स, ये टोटली हर्बल जो है ना वो बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप हैंड वॉश डालो इसमें, ये देख रहे हो हैंड वॉश डाल रहे हैं इसमें, कैप्रिक है। इसके बाद इसमें जी जलेगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। ये हमारा मटेरियल जो है वो सारा का सारा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। फ्रेंड्स, पाँव अभी ऐसे हुए हुए, और ये हमारा जी बन रहा है, इसमें झाग बन चुकी है। अब इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, सवेरे इसमें बेकिंग सोडा डालो, थोड़ा सा और डालो, इतना तकरीबन आपने बेकिंग सोडा ले लिया, ठीक है डालो उसमें। ये पाँव की ना मैल कुचैल जो है ना वो दूर कर देगा। इसके अलावा एक पूरा नींबू डालेंगे हम, लेके आओ नींबू दिखाओ, इसको खोलो, ठीक है ये डालो पूरा, बल्कि हम लेमन ज़्यादा डाल रहे हैं, दो लाई हो ना, और लेके आओ, और भी निचोड़ो, पहले निचोड़ो अच्छे से ना, फिर पाँव पे भी लगाएंगे ना, ये भी हमने, ये आज आप लोग जो है वो नेचुरल पेडिक्योर सीखोगे, ठीक है। तो साथ साथ रहना हमारे, चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। गरम है, हाँ कोसा है, ठीक है, हाँ लेमन पहले शुरू में, शुरू में जो है वो पहले लेमन लगड़ रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये पाँव जो है वो डिप हो चुके हैं, ठीक है। अब हाथों पे जो है वो हाथों की कंडीशन भी देख रहे हैं आप, कुछ अच्छी नहीं हुई हुई, ऐसी हुई हुई है, काफ़ी ख़राब सी हुई हुई है, ठीक है ना। इसमें ब्लीच लगेगी पहले, ठीक है जी। हमारे जी केमिकल आ गए हैं ब्लीच के, ब्लीच हम लोग बनाने जा रहे हैं क्यूने से, ठीक है। डेवलपर जो है वो 10 वॉल्यूम का लिया, याद रखिएगा, मैं बार बार ब्लॉग्स में बताती हूँ कि 10 वॉल्यूम जो है ना फ्रेंड्स, यही हम लोग लेते हैं फेस के लिए यूज़ होता है, जबकि हाथ पाँव के लिए आप लोग 20 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्यूने ही का जो है वो हम लिया जाएगा पाउडर, ठीक है। फिर इसमें जो है वो हम क्या चीज़ ऐड करेंगे जी, इसमें हम ये चीज़ ऐड करेंगे, वाइटनिंग पाउडर ऐड करेंगे सॉफ्ट टच का, ठीक जी। फ्रेंड्स, आज हम जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो एक तो है ड्यू हर्बल, ठीक है। ड्यू का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, जो लोग यूज़र हैं उनको पता होगा। इसके अलावा जी ये ड्यू हर्बल का क्लेंजर है, एलोवेरा क्लेंजिंग क्रीम है, ठीक है। ये भी स्किन को टाइट करने में बहुत मदद देता है। इसके अलावा जी ये ड्यू का प्रोटीन मास्क है, ठीक है। ये फेयर एंड केयर है, बैलेंसिंग एंड रिलैक्सिंग रिफ्रेशिंग। और इसके अलावा जो, क्योंकि हम मैनी पैडी करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप का वो बनाएंगे, तो इसमें हम जैसिका का फेशियल जो है वो आज यूज़ करने जा रहे हैं। ये हाथ के लिए बन रही है, ये वाइटनिंग पाउडर, इसका सिंपल नाम है ना, ये सॉफ्ट टच का है, ठीक है। ब्लीच थोड़ी सी हम क्यूने वाली बना रहे हैं, क्यूने का जो है ना ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्लीच का रिजल्ट क्यूने का अच्छा होता है। एक एगोरा का अच्छा है और एक इसका भी अच्छा है। डेवलपर पाउडर जो है वो लेंगे, ये भी इस वक्त हाथ की बन रही है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। ये इसमें वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो भी जाएगा, ये ड्यू का स्किन शाइन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेमन में इसका फ्लेवर जी। ये हमारा चला गया इसमें एलोवेरा जेल। अब इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, ये मटेरियल तैयार हो गया, इसको मिक्स करना है, मिक्स करो। कोनियों पे भी अच्छे से लगा लिया करें, ये देखें इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें ड्यू का स्किन शाइन है, इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। ये फ्रेंड्स ब्लीच इसमें अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे पेडिक्योर स्टार्ट होने वाला है ना, ब्लीच क्लीन करने के लिए लगाया है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी एड़ियाँ कितनी फटी हुई हैं, देख सकते हैं आप, इस कदर गंदी है ना, ये देखो एड़ियाँ किस कदर गंदी हुई हैं, ब्लैक, ये देखो बहुत ज़्यादा ख़राब है। साफ होने के बाद दिखाएंगे आपको। हे के डॉट आएगा? नहीं, हे के ऊपर डॉट नहीं आता, हे के ऊपर डॉट आता है। ये कौन सा आप यूज़ कर रही हो? ठीक है, नहीं दाल के ऊपर कुछ नहीं होता, और दाल के लिए एक डॉट होता है, दाल के लिए एक डॉट होती है, दाल के बाद दाल आता है, तो वही लिखो, हाँ इसके बाद तो वही डालो। अब लिखो दाल, उल्टा क्यों लिख रहे हो, सही क्यों लिख रहे हो,
इधर से लिखो और अब आएगा इसके ऊपर डॉट, दाल दाल दाल। अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब रे की फैमिली आएगी। रे की फैमिली लिखो, डेड स्किन हम निकालेंगे स्क्रबिंग के ज़रिए, ठीक है। स्क्रबिंग क्योंकि मेरी इस वक्त हील्स जो हैं वो क्रैक हुई हुई हैं, तो इसमें बहुत सारा जो है, पहले हमने बेकिंग सोडा डाला था, नमक डाला, लेमन डाला, फिर उसके बाद हमने फेस वॉश लगा के ना पहले अच्छे से ब्रश किया, ठीक है, ताकि हमारी जो डेड स्किन है ना वो निकल जाए, ठीक हो गया। उसके बाद हम अच्छे से जो है, क्योंकि एरिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रैक हुई हुई हैं, तो उसको अच्छे से जो है ना वो क्लीन किया जा रहा है। अब फुट स्क्रब से जो है ना वो हील्स जो है वो उनको जो है स्मूथ किया जा रहा है। पाँव की हील्स काफ़ी ज़्यादा क्रैक हुई हुई हैं, सो इसका रिजल्ट भी आप लोगों को लाइव ही दिखाऊंगी, व्लॉग में साथ रहें। अभी एरी साफ हो चुकी है, दूसरे की बारी है, दूसरे की टर्न है। वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, हैंड वॉश लगा के जो है वो पहले इसको क्लीन किया जाएगा ब्रश से। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने वीडियो को जो है फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने पहला स्टेप किया था, ठीक हो गया। उसी तरीके से फेस वॉश लगाया, फिर अच्छे से ब्रश किया, ठीक है, नेल्स के अंदर किया, एरियो में हर जगह, फिर हमने फुट स्क्रब को यूज़ किया, ठीक है, और जो हमारी हील्स हैं जो क्रैक हुई हैं उसको अच्छे से जो है वो हमने क्या किया, साफ किया। अब इसके बाद अब हाथ की जो ब्लीच है वो उतरेगी। 15 मिनट्स बाद हो गए, अब ब्लीच को जो है वो साफ किया जा रहा है, क्लीन हो गया हमारी। अभी ब्लीच हुई है तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जस्ट अभी ब्लीच हुई है तो उसका रिजल्ट देखिए कितना बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब कैरियस होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि आज हम लोग हर्बल मैनी पैडी कर रहे हैं, ठीक है। ब्लीच हो चुकी है और क्लिनजिंग जो है वो भी हो रही है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ ब्लीच के बाद ही, क्यों नहीं कि ब्लीच के बाद ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है ना मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। क्लाइंट्स इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, टोटल जो है ना वो हर्बल प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, मसाज एंड में होगी, अब इसके बाद क्लिनजिंग के बाद आपने स्क्रब लेने है, वो भी हम लोग जैसिका का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये जैसिका का स्क्रब लिया है, ठीक है, रेडियंस स्क्रब है। फ्रेंड्स, ये स्क्रब हो गया, स्क्रब होके हमने पाँव को वापस डाल देना है, ठीक है, और इसके बाद मसाज होगी, ठीक है। अब ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या स्टार्ट हो रहा है जी, मसाज एरियो के पास से नीचे से शुरू करना है। प्रेशर दे रही हैं, ये फील हो रहा है मुझे। हाँ, ये प्रेशर ठीक है इतना। सवेरा तुमने अपने हाथों को क्या कर लिया है, नजर आ रहे? माशाल्लाह, यही स्टेप्स को फॉलो करें जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। इट्स नॉट अबाउट द फैशन, इट्स अबाउट योर माइंड रिलैक्सेशन। इसका ताल्लुक आपकी सफाई से भी है, जिस्मानी सफाई से भी है, और इसके साथ साथ आपके जहन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा पुरसकून बनाता है ना सवेरा, ऐसा ही है। अब आप देख सकते हैं रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह से। प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी उन सब के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। बट ये देखें, ये दोबारा प्रेशर लेके आ रही है नीचे से, एड़ियों की तरफ से ना, हील्स की तरफ से ये प्रेशर लेकर आ रही हैं। और ये मुझसे पूछ रही है था प्रेशर ठीक है, मुझे सही लगा है। अब ये दूसरा स्टेप है, ये भी मैं चाह रही हूँ आपको दिखाई। ये देखिए, बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स इससे। इसी तरह से हर उंगली को जो है उस तरह से घुमाना है। ये देखें, मीन सब कुछ करने के बाद नेल फाइल भी हो गए हैं, पेडिक्योर भी हो गया अच्छे से, ठीक है। अब इस पर जो है हम पाँव पर क्या हो रही है, लास्ट में ब्लीच अप्लाई हो रही है, ठीक है। आज का हमारा पेडिक्योर जो है बहुत ही स्पेशल चल रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बड़ी बड़ी जगह पे जो है मैं करवा चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर बहुत से पॉलर्स में करवा चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। लेकिन आपको मालूम है जो मैं घर पर करवाती हूँ अपनी प्रोडक्ट के साथ, इसके कैसे रिजल्ट होते हैं सवेरा, बिल्कुल सही से बताना। तुम भी माशाल्लाह से ब्यूटिशियन हो और जॉब कर रही हो बाहर पार्लर में, तो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके रिजल्ट कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, देखिए एक्स पे लग चुकी है, नीचे रख दी है अभी।
तो बात होती है केमिकल्स की, जो चीज़ ना आप लोग क्लाइंट के ऊपर यूज़ करते हो ना, बाहर जाते हो आप लोग मैनी पैडी करवाते हो तो बाहर सारी की सारी केमिकल्स पे होती है। अगर केमिकल आप लोग अच्छा लगाओगे ना तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि फिर आपका रिजल्ट ना अच्छा आए। और माशाल्लाह से सवेरा जो है वो करती बहुत अच्छा है, बहुत से लोग करने वालों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, केमिकल पे भी डिपेंड करता है, जो कर रहा है ना आपका मैनी पैडी उस पे भी डिपेंड करता है। हैंड वॉश लगाया है फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रश की मदद से स्किन के ऊपर आई हुई डस्ट वगैरह जो है उसको साफ़ किया जाएगा। इसी तरीके से नेल के साथ भी यही प्रोसेस किया जाएगा, नेल्स के अंदर से जो गंद है वो निकाला जाएगा। क्या है? मैनीक्योर। अब क्या हुआ है? ये क्या लगा है? क्लेंजर लगा है, इसी के ऊपर क्लेंजर लगा दें और मसाज क्लिनजिंग कर लें। फ्रेंड्स ये साफ़ हो गया, इस पर क्लिनजिंग हो रही है। अब क्या होगा सवेरे इस पर? अब इसमें स्क्रब होगा फ्रेंड्स, क्लिनजिंग स्क्रब और एंड में मसाज करनी है आपने, ठीक है। मसाज आपको पता है कितनी ज़्यादा स्पेशल है, जो आपके प्रेशर पॉइंट्स भी आपने उनको भी जो है वो क्या करना है, चेक करना है, उसको भी लेना है प्रेशर पॉइंट्स को। स्क्रबिंग भी होगी है फ्रेंड्स, अब मसाज होगी इसकी। आप लोगों को गंद मंद नज़र आ रहे हैं नेल्स, ये भी फाइल होंगे, सब साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आज 24K गोल्ड से जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अब ये मसाज यहाँ से होगा, ठीक है। पूछ रही हैं सवेरा के प्रेशर ठीक है, उनका प्रेशर अच्छा है। अब हाथों की टर्न आ गई है। एक्टर्स की ऐसे ही तो होती हैं, देखा ना आपकी कैसे होंगी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मोटी फिंगर्स हैं तो उनको आप पतला कैसे कर सकते हो, मसाज के थ्रू ही आप कर सकते हो चेंज। ये देखिए मसाज किस टाइप, और ये प्रेशर पॉइंट्स आ गए जी, रिलैक्स होते हैं दिमागी तौर पर, वाकई में रिलैक्सेशन मिल रही है। मसाज के सेम वही स्टेप हैं जैसे कि हमने पाँव में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इससे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। अब वही वाले स्टेप्स जो हैं, जो प्रेशर पॉइंट्स जो हैं हाथ के वो चलेंगे, इसके बाद जो है हमारे नेल्स जो हैं वो अच्छे से फाइल होंगे और फिर जी हम लोग रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मसाज के सेम स्टेप्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है इन स्टेप्स से लिटरली, माशाल्लाह से ये बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हमें पेडी के बाद मिला है। याद रखिए मैनी पैडी को आपने महीने में जो है वो एक दफ़ा ज़रूर करवाना है जी फ्रेंड्स। और हमेशा की तरह मैं आज अपने घर में मैनी पैडी करवा के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ। और ये है कि आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हुई तो उसे शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।